आज की हम बात कर रखे हैं, जहां पर नकली नोट छापने वाला गिरोह जो है वो गिरफ्तार होता है। और ये मेरे आगे जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये नोट छापने की वो मशीन देख रहे हैं जहां तालीम दी जानी थी, जहां शिक्षा दीक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं छोटे छोटे बच्चे, वहां पर तालीम की आड़ में किस तरह से नोटों का ये खेल चल रहा था। पूरी टकसाल वहां पर चल रही थी। अब कब से चल रही थी, क्या चल रही थी, क्या प्लानिंग थी, इस पर हम बात कर रहे हैं कि मदरसे में मौलवी हो, उनके साथियों हो, उनके साथियों के साथ ही वो छापता था नकली नोट। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ना केवल इतना, मदरसे का जो प्रिंसिपल है वो भी गिरफ्तार किया जाता है। आरोपी मदरसे में 100-100 के नोट छापते थे और बड़ी संख्या में नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। मदरसे में बच्चों की छुट्टी के बाद यही खेल होता था। वहां पर खाली कमरे के भीतर होती थी नोटों की छपाई। 3 महीने से नकली नोट छापने का ये काम चल रहा था। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नोट छापने की मशीन वहां पर, और किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, किसी को भी उस कमरे के भीतर जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही बच्चों की छुट्टी होती थी उसके बाद यहां पर शुरू होता था ये खेल। ये देखिए, ये उसको हम आपको दिखा रहे हैं जिस आरोपी को गिरफ्तार यहां पर किया गया है, जो नोट वहां पर छापता था। प्रिंसिपल की भी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही जो उसका साथी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये पूरा मामला जो है वो सामने आता है, वो उजागर होता है और पता चलता है कि वो मदरसे जहां पर तालीम दी जाती है, लेकिन तालीम की जगह वहां पर नोटों की छपाई हो रही थी। ये प्रयागराज के मदरसे में कौन सी साजिश चल रही थी, ये नोट छपकर कहां जाने थे और किस मकसद, किस प्लानिंग के तहत दरअसल ये पूरा जो काम है, ये पूरा जो खेल है वो हो रहा था। ये उस मदरसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में मौलवी ने मदरसे को टकसाल पूरा बना दिया था। एक के बाद एक 100-100 के जो नोट है ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों के जो नकली नोट हैं ये बरामद किए गए हैं, ये बॉक्स में आपको रखे हुए लाखों के ये नकली नोट जो आप यहां पर देख रहे हैं, 100-100 के नोट बरामद यहां पर किए गए हैं। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो उस कमरे से बरामद की गई है, लेकिन साफ तौर पर वो नोट छापने की जो मशीन है, नकली नोट छापने की वो मशीन और लाखों के नकली नोट बरामद किए गए हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला प्रकाश में आता है, पुलिस इसको किस तरह से देखती है, पुलिस उसके बाद क्या कहती है और क्या एक्शन उसके द्वारा लिया गया, ये सुनिए। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग थी उसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा जो नकली नोट 100 डिनोमिनेशन का था, इंडियन करेंसी नोट, उसको प्रिंट करके तैयार किया जा रहा था। ये सारा काम ये जो मदरसा है उसके कमरे में ही ये सारा कर रहे थे। तो बताया तो ये भी जा रहा है कि दरअसल मदरसे में महाकुंभ के खिलाफ साजिश चल रही थी। प्रयागराज में अगले साल होने वाला है महाकुंभ और महाकुंभ में जाहिर सी बात है कि जो लाखों श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ेगी। कुंभ के खिलाफ, इस महाकुंभ के खिलाफ ये नोट जिहाद वाली जो साजिश है वो सामने आती है। मदरसे में रची जा रही थी ये साजिश, कुंभ को बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही थी। इसके पीछे का नोटों का खेल यही था। महाकुंभ में खपाने के लिए छापे जा रहे थे ये नकली नोट। अभी तक 1-1.5 लाख के करीब जो नोट हैं वो छापे गए थे। कुंभ से पहले करोड़ों के नकली नोट छापने का प्लान दरअसल था। तो ये बड़ी साजिश जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि दरअसल कुंभ को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। और अभी तक हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब भी कई लोग हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है, जो पुलिस की रडार पर है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 4 गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं, लेकिन और इनके कितने मददगार हैं। जाहिर खान की अगर हम बात करें, ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे प्लान का। वहीं मोहम्मद तफलीरुल की हम बात करें तो ये प्रिंसिपल है, ये भी इसमें शामिल था इस साजिश में। मोहम्मद अफजल जो नकली नोट सप्लाई करता था और इसी को वो पूरा जिम्मा दिया गया था। उसके अलावा अगर बात करें मोहम्मद शाहिद जो नोटों की छपाई किया करता था। तो जैसे ही बच्चे जाते थे, बच्चों की छुट्टी होती थी, तो वहां ये लोग आना शुरू कर देते थे नोटों की छपाई करने के लिए, नकली नोट का सप्लाई। और प्रिंसिपल तो वहां पर होता ही था, प्रिंसिपल किसी को भी भीतर नहीं जाने देता था उस कमरे पर। हमारे सहयोगी गौरव वहां पर जब पहुंचते हैं वो क्या इसके अलावा पाते हैं, बता रहे हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए। राज्य में नकली नोट छापने वाले मदरसे के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाएं तो यही वो मदरसा है जहां पर पुलिस ने छापा मारा था। जामिया हबीबिया करके ये मदरसा है जो कि
अतर सुरैया इलाका जो प्रयागराज का वहां पड़ता है, साफ तौर पर यह नोटिस भी चिपका हुआ है जिसमें लिखा है कि यहां पर कार्रवाई हुई है 28 तारीख को, FIR मेंशन है और जो जो इसमें आरोपी हैं उनके भी नाम इसमें साफ तौर पर लिखे हुए हैं। पुलिस द्वारा ऊपर जिस कमरे में ये पूरा जो नकली नोट बनाने का कारोबार था वो चल रहा था, उसको सील किया हुआ है। और आपको बता दें भी मदरसे का कैंपस है पूरा और अब इस पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट गई है इसके जो नक्शा है उसको लेकर भी, अगर नक्शा सबमिट नहीं माना जाएगा तो उसके बाद बुलडोजर का एक्शन भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो मौलाना जिसकी क्राइम कुंडली अब खंगाली जा रही है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, विदेशी संगठनों से भी जुड़े होने की आशंका है, मोबाइल फोन में मिली थी महाकुंभ की खबरें, 1 साल की जो कॉल डिटेल्स है वो भी उसकी खंगाली जा रही है, बैंक अकाउंट की जानकारी जुटाई जा रही है कि पैसा कहीं से आया तो नहीं है, कहीं से कोई फंडिंग हुई हो या यहां से अगर कहीं गया हो, इस तरह की तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही है, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी जानकारी मांगी गई है। इसी पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं कि कहां तक ये पूरा मामला पहुंचा है। 4 गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन और आगे क्या? गौरव त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप उसी मदरसे के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, लेकिन अब और क्या, और कैसे ये टिप ऑफ मिलता है, कैसे ये इनपुट मिलता है, कैसे खुलती है ये पोल? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से यहाँ पर जो बाहरी लोगों का आवागमन था उसके चलते जो लोग थे वो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि बाहरी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे थे, और ये वही रूम है जिस रूम की बात की जाए जहाँ पर छापेमारी हुई थी, यहाँ पर लोगों का आना जाना बाहरी लोगों का शुरू था, जिसके बाद यहाँ से पुलिस को इनपुट मिलता है कि कुछ संदिग्ध यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते तमाम ऐसे लोग जो कि यहाँ के आसपास के नहीं देखे गए वो लोग यहाँ पर रात बिरात आते थे और यहाँ पर आते थे, कुछ समय रुकने के बाद यहाँ जाते, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब इस पर पूरी तफ्तीश की तो साफ तौर पर पता लगा कि यहां पर नोट छापने की मशीन लगाई हुई है और भारी मात्रा में यहां से जो कैश था जो कि बरामद भी हुआ, उसके बाद आपको बता दें 200 से ज्यादा उन पेपर की शीट्स मिली हैं जो कि प्रिंटिंग पर लगी हुई थी। तो साफ तौर पर जो काम था वो लगातार नोट छपाई का जारी था और लंबे समय से यह काम है जो यहां पर किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमने यहां के क्लर्क से बात करी तो तकरीबन 3.5 साल से किसी को भी ऊपर जाने की, इस कमरे पर जाने की या इस फ्लोर पर जाने की अनुमति नहीं थी। 3.5 साल समय लंबा समय होता है, इतने समय पहले से ही ऊपर जाने पर रोक थी, क्योंकि ऊपर इस तरह का जो गलत काम है वो चल रहा था, सिर्फ जो प्रिंसिपल थे वो ऊपर जाते थे और उनके साथ जो उनके चुनिंदा स्टूडेंट थे वो ऊपर जाते थे, क्योंकि आपको बता दें इस पूरे मामले में आरोपी हैं वो यही मदरसे के पढ़े हुए छात्र हैं जो इस पूरे घटना में उनके साथ में लिप्त पाए गए। और पुलिस अभी PCR की डिमांड इस मामले में, क्या और भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है या कैसे, क्या और क्या सिर्फ महाकुंभ ही एक देखें कि वो उसके टारगेट पर था या कुछ और भी निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए महाकुंभ से पहले इस तरह का जो वारदात सामने आती है अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमारी जब बात हुई जो IPS दीपक भूकर है, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमने पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड की है, उसके बाद ही हम इनसे गहनता से पूछताछ करेंगे, क्योंकि ये एक नेक्सस सिर्फ 4 लोगों का नहीं हो सकता, इसमें और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि ये नोट कहाँ सप्लाई करते थे और कैसे, और पुलिस के सूत्र ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये एक नोट जो ओरिजिनल नोट होता है 100 का, उसके बदले में 3 नोट दिया करते थे जो इनकी स्ट्रेटजी थी, उसके तहत ये नोट मार्केट में उतारे थे, और कितने नोट या कितनी करेंसी अब तक मार्केट में उतर चुकी है फेक, वो भी एक बड़ा सवाल है जिस पर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, और तमाम जो इनके पास से कॉल डिटेल्स में नंबर मिले हैं उनको भी पुलिस खंगाल रही है, कौन कौन ऐसे लोग थे जो बाहर से इनसे संपर्क करते, क्योंकि कई विदेशी कॉल्स की भी बात सामने आई है, जिसको लेकर इस पूरे मामले में पुलिस अब इनकी PCR लेगी और गहनता से इनसे पूछताछ करेगी, तमाम डिटेल्स को खंगालने की कोशिश यहां पर कर रही है, बैंक अकाउंट हो, कैसे, क्या और वो कॉल डिटेल्स भी। फिलहाल शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका, हमारे सहयोगी गौरव जो इस बाबत हमें जानकारी यहां पर दे रहे थे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरह से नोटों का ये जो पूरा जाल है, ये जो पूरा खेल है, वो आखिर कैसे फैला, वो आखिर कैसे बढ़ा।
सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ आप देख रहे हैं ये नोट छापने वाली मशीन जो हम आपको दिखा रहे हैं कि आरोपी नोट खरीदने वालों को एक ट्रायल दरअसल इसके जरिए यहाँ पर दिखाते थे। कोई भी आता था, अगर किसी को ऑफर करते थे इस तरह की कोई बात बताते थे तो वो ये कहते थे कि ठीक है आपको ट्रायल हम दिखाते हैं। बच्चे नकली नोटों से सामान खरीदा करते थे। आप ये देखिए कि उनको चलाया भी वहां पर जा रहा था एक ट्रायल उनकी तरफ से। पानी की बोतल हो, चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, वो इसके जरिए मंगवाया जाता था। गिरोह के लोग युवा लड़कों को टारगेट बनाते थे। उनको लगता था कि इजीली ये इजी टारगेट है और इनको इजीली आप बरगला सकते हैं। असली नोट के बदले 3 नकली नोट दिए जाते थे और नकली नोट का ये पूरा सिंडिकेट जो है वो दरअसल एक्टिव था। और साथ ही साथ आपको यहां पर बता दें कि पुलिस के मुताबिक 5 लाख के जो फर्जी नोट है वो मार्केट में अब तक पहुंच चुके थे और आरोपियों ने 1 से 2 लाख रुपए खपाने की बात भी कबूल की थी। तो सोचिए कि वो मदरसे जो तालीम देने के लिए जाने जाते हैं लेकिन वहां पर तालीम के नाम पर उस आड़ में क्या कुछ साजिश रची जा रही थी।